पिछले वीडियो में हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे, जिसमें कि हमें बताया है कि कबीर दास जो है वो एक निर्गुण धारा के कवि होने के कारण मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और उनके अनुसार ईश्वर जो है एक है और वो कण कण में व्याप्त है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबद गावत भूले आत्म खबर न जाना। बच्चों कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो लोग टोपी पहनकर माला पहनकर तिलक लगाकर या छापे वाले कपड़े पहनकर खुद को ये समझते हैं कि ईश्वर के वो अनुयायी हैं, किंतु वे लोग धर्म के सच्चे अर्थों में ईश्वर के अनुयायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने गुरु के सिखाए हुए साखी और सबद इनको वो नहीं गाते हैं, इनको गाना वो भूल चुके हैं। जिन्हें आत्मबोध नहीं है ये उनकी अज्ञानता है। आत्मबोध यानी स्वयं का ही उन्हें ये पता नहीं है कि ईश्वर जो है वो उनके स्वयं के अंदर व्याप्त है, तो वो अज्ञानी है। और इसी कारण टोपी पहनने से, माला गले में डालने से या छापे और तिलक लगाने से वो ईश्वर के अनुयायी नहीं कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहिमाना, आपस में दो लर लर मुए मर्म न कहू जाना। इन पंक्तियों में कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, वो कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है, किंतु तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है। तो आपस में दो यानी दोनों, लरी लरी यानी लड़ लड़कर मुए मर गए, यानी दोनों ही हिंदू और मुसलमान ये आपस में इसी चीज को लेकर लड़ते रहे कि मुझे राम प्यारा है और मुझे मुसलमान लोग कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। तो किंतु ईश्वर के सही रूप को, ईश्वर के अस्तित्व को वो लोग नहीं जान पाए हैं। मर्म ना कहूं जाना से मतलब ये है कि कोई भी, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी ईश्वर की सत्ता को नहीं जान सका। नेक्स्ट है बेटा, घर घर मंत्र देख फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं उन गुरुओं के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि उन्हें अपने किसी महिमा का अभिमान है, उन्हें अपने ऊपर अभिमान है कि वे ईश्वर के अनुयायी हैं, और वो घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते हैं। तो ऐसे अज्ञानी जो गुरु हैं, उनके शिष्य भी अज्ञानी होते हैं, है ना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, मतलब ऐसे गुरुओं के साथ वो सब शिष्य, सिख यानी यहाँ पे शिष्य को बताया गया है, वो भी सब बूढ़े। बूढ़े का मतलब होता है डूब जाना। तो इस तरह के जो गुरु हैं, जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ईश्वर के मंत्र बताकर वो लोगों को ये बता सकते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उनकी अज्ञानता का ही एक हिस्सा है। अंत में ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही को पछताना पड़ जाता है और वो संसार के इस भव सागर में डूब जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, कह कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहां कहां नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीर दास जी इन अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे संतों, हे गुरुओं, या हे वो महान पुरुषों जो स्वयं को ये समझते हैं कि वे ईश्वर के अनुयायी हैं, वो इन सब चीजों को, अपने इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दें और ईश्वर की सत्ता की पहचान करें। केतिक कहां कहां नहीं माने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन सब गुरुओं को, इन सब संतों को कई कई बार इस चीज को कह चुका हूँ कि ईश्वर जो है सहजे सहज समाना, ईश्वर जो है उसको सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल ईश्वर की भक्ति करने से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं के, मनुष्य के अंदर विराजमान है और इस संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है।